देवास जिले में नवरात्रि पर्व पर 3 अक्टूबर से मनाया जाएगा। नवरात्रि पर्व की तैयारियों के संबंध में बैठक माँ चामुंडा शासकीय देवस्थान प्रबंध समिति कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक में विधायक श्रीमती गायत्री राजे पवार ने कहा कि पार्किंग की ऐसी व्यवस्था करें कि दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को ज्यादा दूर पैदल नहीं चलना पड़े। माता जी टेकरी और शहर में सजावट करें। कलेक्टर गुप्ता ने निर्देश दिए कि नवरात्रि पर्व पर देवास शहर में विभिन्न स्थानों पर भंडारों से वितरित होने वाली खाद्य सामग्रियों की जाँच करें। नवरात्रि के दौरान अवैध दुकानों के अतिक्रमण को हटाया जाए। नवरात्रि पर्व पर वाहन पार्किंग की उचित व्यवस्था की जाए। अवैध पार्किंग पर कार्यवाही की जाए। दुकानों को व्यवस्थित लगवाएं। बैठक की सभी डिपार्टमेंट्स नवरात्रि के समय के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं वो देखना था। क्या साज सजावट होगी, कैसी सुरक्षा व्यवस्था होगी, पेयजल की, ट्रैफिक की, सभी विषयों पर चर्चा की हमने। राजा, आपने स्वच्छता को लेकर भी बोला है कि जिस तरह से पंडाल लगेंगे उसके सफाई को लेकर आपके द्वारा भी एक अभियान चलाया जाएगा कि व्यवस्था गड़बड़ नहीं हो, क्या किस तरह का अभियान रखा जाएगा? देखिए, स्वच्छता को लेकर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि पंडालों के सामने जो प्रसादी ग्रहण करते हैं वो पेपर कप्स, पेपर प्लेट्स ऐसे ही डालते जाते, नीचे डस्टबिन का उपयोग नहीं करते हैं, तो हम लोग उसमें जागरूकता लाने के लिए कैंपेन शुरू करने वाले हैं। बढ़ते ट्रैफिक को लेकर सभापति जी ने आपने एक पहल रखी है कि जो फोर व्हीलर वाहन है उसको थोड़ा सा 9 दिनों के लिए, मेरा इतना आग्रह था कि फोर व्हीलर्स की पार्किंग पास में हो ताकि लोगों को ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़े। और सभापति जी का एक सजेशन था कि इस दरमियान सभी अपने फोर व्हीलर्स को त्याग कर टू व्हीलर पे अगर आते हैं तो उतना ट्रैफिक कम हो जाएगा देवास में और सहूलियत होगी, सभी को मदद भी होगी। साथ ही आपने देवास की जनता से भी अपील की कि फोर व्हीलर वाहन को जी फोर व्हीलर वाहन नहीं यूज करते हुए अगर टू व्हीलर यूज करते हैं तो अभी कैलकुलेट किया शायद 10 से 15 हजार वाहन कम होते हैं और बाहर से आने वाला ट्रैफिक जो आता है उसके कारण दिक्कत नहीं होगी, मदद मिलेगी प्रशासन को भी और देवास में दर्शनार्थियों के लिए भी।